ज़्यादा पतला नहीं करना है, पक जाएगा ऐसे ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं बना रही हूँ कद्दू का हलवा, तो वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जितने हलवा बनाना था उतना मैंने यहाँ पे कद्दू काट कर रख लिया है। और अब मैं इसके कर दूँगी छोटे छोटे पीस, और इनके छिक्कल भी निकाल दूँगी और इनके बीज भी निकाल दूँगी। हम लोग इसको कद्दू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और कौन कौन कद्दू का हलवा बनाकर खाए हैं और कौन नहीं खाए हैं, अगर नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाएं। और ये हलवा बनाकर आप व्रत में भी खा सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी हलवा हुआ था, बस मैंने बनाया था इसलिए मुझे पता है कि कद्दू का हलवा है, नहीं तो खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये कद्दू का हलवा है। तो मैं जो इसको मैंने पीस किए थे उसको छिल लिया है इस तरीके से, अंदर भी निकाल कर मैंने फेंक दिया है और बाहर का भी। और इसको छिलने के बाद आप धो लें, क्योंकि कसने के बाद धोएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी रह जाएगा इसमें। तो अब कसने के लिए मैं जिस साइड से इसके मोटे सुराग हैं उस साइड से ही यूज करूँगी। और मैंने कद्दू कस लिया है, और इसमें आप चेक करके देखें कि पानी ज़्यादा है तो निचोड़ें, नहीं तो निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको चाहिए उसको पकाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच देसी घी। देसी घी हो चाहे आपका मार्केट का घी हो, कुछ भी हो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जो भी सामान आपके पास घर में है आप उसी से हलवा बना सकते हैं। मेरे पास किशमिश और बादाम, नारियल और छोटी इलायची है, तो मैं वही इसमें डालूंगी। अगर काजू भी है तो वो भी डाल सकते हैं, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें हो, जो है आप उसी से बनाकर खा सकते हैं हलवा। किशमिश और बादाम को मैं थोड़ी देर पानी में रख लूँगी, उससे जो भी गंदगी होगी उसमें वो साफ हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने कद्दू कस के रखा हुआ था उसको यहाँ पर थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद इसमें ढक्का लगाकर इसको सिम में रखना है, एकदम फुल गैस में नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा। पे मैंने फ्राई करके ढक दिया है, और 2-3 बार मैंने इसको पलट लिया था। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है दूध, दूध है 1/2 kg। तो दूध को मैं गर्म करते रहूँगी, एकदम उसको कम करना है। खोया होता तो अच्छा रहता, खोया नहीं है तो मैं दूध को ही थोड़ा सा गाढ़ा कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं नारियल कस रही हूँ, आप लोग अपना कीमती समय मेरी वीडियो देखने के लिए देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर करें। पे बादाम और किशमिश भी साफ हो गए हैं, देखो। और यहाँ पे हलवा भी बन गया है। अब मैं इसमें डालूंगी दूध, क्योंकि वो अच्छी तरीके से पक गया है और दूध भी एकदम से गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसको इसमें ही पका लूंगी अच्छे से, और सिम में रख के। और मैंने इसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल दी है, चीनी उतना ही डालें जितना आपको खाना है, क्योंकि कोई मीठा ज़्यादा खाते हैं कोई कम खाते हैं, तो चीनी अपने हिसाब से ही डालें आप।
और हलवा बनकर हो गया है रेडी। अब मैं इसमें जो भी किशमिश और बादाम है और नारियल है उनको डाल लूँगी। ये देखो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।